हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टेक जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में हम ब्लॉग स्पॉट यूज करके खुद का ब्लॉग क्रिएट करेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और ये टोटली फ्री है, ना ही किसी वेब होस्टिंग की जरूरत है और ना ही किसी डोमेन की। ब्लॉगर से ब्लॉग बनाना बहुत ही ईजी है, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस। गाइस, सबसे पहले हमें ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है blogger.com। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, आपको डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे सर्च कर लेना है। क्रिएट ब्लॉग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम थीम भी चेंज कर सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं किस टाइप के हमें चाहिए। इसमें फ्री डोमेन भी मिल जाता है और हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट रियल है और कॉपीड नहीं है तो। और आप देख सकते हो कि आपके ब्लॉग पर कौन कौन विजिट कर रहा है, कहाँ से विजिट कर रहा है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपना ब्लॉग। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है अपने जीमेल अकाउंट से। तो मैं अपना जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। गाइस, साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल देना है कि आप किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहते हो, आपके ब्लॉग का क्या नाम होना चाहिए। गाइस, मैं अपने ब्लॉग का नेम रखता हूँ एम टेक जी एंड देन नेक्स्ट। अब हमें इसमें यूआरएल डालना है कि जिस यूआरएल से हमारा पेज ओपन हुआ करे। सो मैंने अपना URL डाल लिया है mohittech11.blogspot.com। .blogspot.com ये हर ब्लॉग पर चलेगा क्योंकि इसका ये डोमेन है और इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इसको पे करके। देन नेक्स्ट, सेव। उसके बाद प्रोसेसिंग और हमारा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हमारी पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ पे हम सारी पोस्टेस आया करेंगी और यहाँ पे स्टेटिक्स और फिर कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, लेआउट, थीम एंड सेटिंग्स। अगर आपको अपना ब्लॉग देखना है तो यहाँ से देख सकते हो व्यू ब्लॉग। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके हमारा ये है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं किया है इसीलिए ब्लैंक दिखा रहा है। तो चलिए पोस्ट करके देखते हैं। क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल देना है। यहाँ पे हम अपनी पोस्ट का कंटेंट रखेंगे जो हमें लिखना होगा। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो और इटैलिक, अंडरलाइन और कलर्स यहाँ से चूज होंगे इसमें। अगर आपको HTML में पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे HTML का भी ऑप्शन है, तो आप HTML व्यू करके आप HTML में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको कंपोज में करना है एक वर्ड फाइल की तरह तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो मैं अपना कंटेंट लिखता हूँ इसमें। यहाँ से अगर आपको प्रीव्यू देख सकते हो कि इस पोस्ट का किस तरह से आपको शो होगी, तो प्रीव्यू देखते हैं इस टाइप से प्रीव्यू। अगर हमको यहाँ पे कलर चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिलेक्ट एंड देन कॉपी। और अगर आपको टेक्स्ट हाई में चाहिए तो आप लैट्स कर सकते हो और इसको भी। सो गाइस, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा जब आप प्रीव्यू पे सेव कर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तब। और आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग टाइप से, लाइक दिस। इनसाइड से मेरे से हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे। सो
सो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। जैसे गाइस ये वाली पोस्ट करनी है मुझे, तो ओपन और फिर ये लोडिंग होगा, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो इसको। सिलेक्ट एंड अपलोड, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप बड़ा भी कर सकते हो इसको। और आप रिव्यू देख सकते हो किस टाइप की आपकी पोस्ट है इस टाइम। अगर आपको इसमें वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो भी एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको इंसर्ट लिंक करनी है, जैसे कि मुझे यूट्यूब पे लिंक अपनी सेट करनी है, और आप इस पे टिक कर देना एंड देन क्लिक दिस एंड अप्लाई, ये हमारी एक तरह से लिंक बन जाएगी। तो प्रीव्यू करके देखते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने इसमें हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक, हमारा रेड कलर का वर्ड था भी तो इसका कलर चेंज हो गया। तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे इसके लिंक वर्क नहीं करेगी, इसीलिए हमें इसको पोस्ट करना होगा और चेक करते हैं। पब्लिश करने के बाद कंफर्म, और आप इस पोस्ट को देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। गाइस आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी पोस्ट आ रही है, और इसको हम अभी यूट्यूब पे क्लिक करके हम अपने दूसरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा ब्लॉग। स्टेटिक्स में आपके शो होंगे फॉलोवर्स, पोस्ट कितनी है, आपकी कमेंट्स कितनी आई हैं इस पे, और यहाँ पे व्यूज़ का दिखाएगा जब आप कम से कम मिनिमम 5 पोस्ट कर दोगे तब। और कमेंट का सेक्शन यहाँ पे है, आप रिप्लाई कर सकते हो। और अर्निंग के ऑप्शन में क्रिएट करना पड़ेगा आपको एडसेंस अकाउंट, और पेजेस में पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो इसमें बाय दिस क्रिएट अ न्यू पेज। और फिर लेआउट, लेआउट में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ये कि आपको अबाउट मी है, इसको ओपन करके आपको एडिटिंग करनी है। अबाउट मी पे आप लिख सकते हो नो अबाउट मी, और यहाँ से आप अपना शो लोकेशन कर सकते हो, शो अबाउट मी कर सकते हो, शो प्रोफाइल कर सकते हो, एंड देन सेव इट। गाइस लेआउट में आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप न्यू थीम सेट कर सकते हो, गैजेट सेट्स कर सकते हो, जैसे कि स्लाइड बार पर मुझे गैजेट ऐड करना है। एडसेंस अकाउंट अगर आपका लग गया है तो आप इसको यूज कर सकते हो, और ब्लॉग सर्च का ऑप्शन लगा सकते हो यहाँ पे, HTML, JavaScript, प्रोफाइल एंड ब्लॉग आर्काइव एंड सो ऑन। सो मुझे अगर लिस्ट चाहिए तो लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, एंड देन सेव, टाइटल रखूँगा इसका, मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा। ट्रांसलेटर यूज़ करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और आपको सेट करना है किस फॉर्म में हमारा हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ड्रॉप डाउन। सो वर्टिकल मैं इसका प्रीवियस स्टेप से होगा, और हॉरिजॉन्टल में स्टेप से, और ड्रॉप व्यूज में नॉर्मली इस तरह से। सो वर्टिकल पे हम क्लिक करते हैं और देन सेव। सेव करने के बाद आपको इसको रिफ्रेश करना होगा पेज को। रिफ्रेश करने के बाद आपको ट्रांसलेटर का ऑप्शन आ गया है, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिए, आपको अगर लैंग्वेज करनी हो तो सिलेक्ट लैंग्वेज करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसलेटर व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इससे वो अपने आपके पेज को कस्टमाइज करके हिंदी में चेंज कर सकते हैं एंड अदर लैंग्वेजेस में। सो गाइस और फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉग सर्च का ऑप्शन, कि आपके ब्लॉग का किसी को सर्च करना है तो उसको आप सेट कर सकते हो, एंड देन रिफ्रेश इट।
सर्च इंजन ब्लॉक का ऑप्शन आ गया है इसमें। जब आपके पास कमेंट्स पोस्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको सर्च का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका। और अब चलते हैं गाइस थीम में। थीम में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन यहाँ से है, आप यहाँ से कोई सी भी थीम चूज कर सकते हो। गाइस आप थीम में कोई सी भी थीम चूज कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा यहाँ से। गाइस मैं वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ थीम और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और आप रिफ्रेश करके आप अपने ब्लॉग को देख सकते हो। रिफ्रेश करने पे हमारा पूरा चेंज हो गया लेआउट इसका। और गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर आपको फेविकॉन चेंज करना है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। बी के जगह पे आप अपना खुद का क्रिएट करके लगा सकते हो। आपको बता दूं, आपको ये चेंज करने के लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे फेविकॉन का ऑप्शन दिखेगा। फेविकॉन के ऑप्शन के बाद आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है फाइल जो आपका फेविकॉन रखना है आपको। सो गाइस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना फेविकॉन। मैंने सेलेक्ट कर लिया ये और आप रिफ्रेश कर सके देख सकते हो। कुछ सेकंड्स में हो जाएगा ये अपडेट। आप यहाँ पे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हो, आप बता सकते हो किस टाइप का आपका ब्लॉग है। आप यहाँ से अपने ब्लॉग का, अगर आपको कुछ एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो ब्लॉग का एड्रेस चेंज। अगर आपको और कुछ ब्लॉग का एड्रेस रखना है तो आप कर सकते हो बिल्कुल। सो गाइस आप यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो एक अकाउंट से। सिंपली आपको एरो पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू ब्लॉग करना है और एंड देन ओके। सो आप न्यू ब्लॉग बना सकते हो। गाइस मैं लेआउट में और भी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके हेल्पफुल हैं। आप इसको हाइट की जगह पे अनहाइट कर दीजिए। यहाँ से जो भी आपको फॉलो करेगा आपको मेल पे आ जाएगा आपके नोटिफिकेशन एंड देन सेव इट। और फिर आप देख सकते हैं आपके ब्लॉग को कौन कौन फॉलो कर रहा है। सेव करने के बाद आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो कि ऑप्शन आया। ऑप्शन इस टाइप से आएगा सब्सक्राइब की फॉर्म में। तो सब्सक्राइब पे जो कोई भी क्लिक करेगा वो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, गेट ईमेल नोटिफिकेशन। आपको ये कैप्चा फिल करके कंप्लीट रिक्वेस्ट पे करना है सेट। गाइस आपकी अर्निंग तभी होगी जब आप एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। और इसका गोल है कुछ पोस्ट क्लियर होने का और आपका कंटेंट किसी से मैच ना हो, एंड देन तब आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फेविकॉन आइकन चेंज हो गया है। और अगर आपको ये वाला प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके, प्रोफाइल में जाके आप इसको भी चेंज कर सकते हो। गाइस जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि आपके ब्लॉग पे व्यूज आने लगेंगे। सो गाइस हमारे ब्लॉग पे व्यूज आने लग गए हैं। टुडे 7 लोगों ने हमारे ब्लॉग को विजिट किया है। और आप देख सकते हो कि मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करके आप इसमें यूआरएल देख सकते हो, किस यूआरएल से सिलेक्ट हुआ है हमारा ब्लॉग। सो google.com से आए हैं और अदर से आए हैं कुछ लोग।
और लोकेशन अभी नहीं बताएगा, जब आपका 100 से ऊपर हो जाएंगे व्यूज देन ये लोकेशन स्टार्ट कर देगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गाइज अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइज थैंक यू सो मच।